to take not to come forward and take the videography because I'm already live mein hai. Link aapke group mein send kar diya gaya hai ya kar diya jayega abhi, and you can easily watch it on live as well. The memento. It's time to present the memento by our administrator, sir. I request our administrator, sir, to present the memento. क्लास वन के स्टूडेंट जंगल बुक प्रेजेंट करेंगे कपल डांस अ स्किट फॉर यू पेरेंट्स. आप पेरेंट्स के लिए एक स्किट तैयार किया गया है पैट्रियोटिक डांस भांगड़ा डांस. मैं निवेदन करूंगा तब तक हमारे साथ बने रहिए. और मुझे मालूम है सर्दी बहुत ज्यादा है पर ये बहुत आपका आभार है कि आप फिर भी बैठे हैं हमारे साथ. जैसे जैसे बच्चे फ्री होते जा रहे हैं हम अनाउंस जैसे कर रहे हैं बच्चे आते जाएंगे. क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और नर्सरी एलकेजी एचकेजी के जो बच्चे जिनके डांस हो चुके हैं वो बच्चे यहाँ पर रेडी हैं और जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं वो उधर के आपके सामने की साइड में जहाँ से आपने एंट्री की आपको स्टूडेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे. जहाँ से बच्चे जहाँ से आपने एंट्री की स्टूडेंट्स आर ओवर देयर. फोर्थ प्रोग्राम्स फोर फाइव प्रोग्राम्स मोर प्लीज बने रहिए तब तक हमारे साथ. सर थैंक यू सो मच. मैं इससे पहले की शुरुआत करूं मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विशेष तौर से इस स्कूल के डायरेक्टर डेविड सर का जिन्होंने मुझे इस खास कार्यक्रम में होने के लिए मुझे याद किया. और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जो बच्चों ने तैयार किया है. मैं धन्यवाद करता हूं सभी बच्चों को. मैं इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित करता हूं और विशेष तौर से जिन स्टाफ ने टीचर्स ने उनके साथ मेहनत किया है. और जैसा कि हम लोग सुन रहे थे केवल 10 दिनों के अंदर में ये कार्यक्रम तैयार किया गया. इससे पता चलता है कि जो उत्साह है जो त्योहार का जो सीजन है त्योहार का जो समय है इसको एक क्रिसमस सीजन के नाम से दुनिया में जाना जाता है. आप इस समय में दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे आपको हर जगह पर क्रिसमस डेकोरेशन क्रिसमस केक्स क्रिसमस ट्रीज सेंटा क्लॉज क्रिसमस कैरल्स गाने प्रोग्राम्स इवेंट्स बहुत सारी ऐसी चीजों को आप लोग दुनिया भर में पाएंगे. मैं इससे पहले आपको बताऊं कि क्रिसमस क्या है एक सवाल जरूर उठता है और ये सवाल इस प्रकार से हमारे जहन में आता है जो क्रिसमस है और हम लोग जैसे जानते हैं कि वो एक जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है प्रभु यीशु का जन्म दिवस. और हम सभी के घरों में जब जन्म दिवस होता है कोई बच्चा जन्म लेता है जरूर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हम लोग उसको मनाते हैं अपने परिवार के साथ में अपने रिलेटिव्स के साथ में अपने अपने चाहने वालों के साथ में फैमिली एंड फ्रेंड्स गेट टुगेदर एंड दे एंजॉय द बर्थडे पार्टी. और ये जरूर होना चाहिए. बर्थडे जब और किसी मशहूर व्यक्ति का होता है like हमारे देश के किसी अच्छे नेता का है या किसी बॉलीवुड एक्टर का है किसी महान खिलाड़ी का है पूरे देश में मनाया जाता है. लेकिन एक बात जब आती है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है जो 25th ऑफ दिसंबर को मनाते हैं पूरी दुनिया में इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है क्यों ऐसा क्या खास है. अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा जो स्किट देखा है उनके लाइफ के ऊपर में आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग उसको समझ पाए आप में से कितने लोग उसको उसके साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हैं यीशु के जीवन से. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीसस क्राइस्ट के जीवन को जानें जो उन्होंने अपने लाइफ में किया है क्योंकि उनका दुनिया में आना एक बहुत बड़ी योजना के तहत हुआ. और जितने साल वो इस धरती पर रहे इस मानव समाज के बीच रहे उन्होंने बहुत सारे चीजों को किया बहुत सारे बलिदान दिए
बहुत सारी उन्होंने सेवा की। मैं आपको बता करके खत्म करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास में बहुत शॉर्ट टाइम है और आप लोग यहाँ पर चीजों को देखने आए हैं, सो मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिसमस जो है वो विशेष तौर से तीन मुख्य बातों को बताता है, तीन खास बातें। पहली जो बात है वो है क्रिसमस इज ऑल अबाउट लव। क्रिसमस जो है वो प्रेम के विषय में है, क्रिसमस जो है वो प्यार के बारे में बताता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में इसीलिए आए, प्रभु यीशु इस दुनिया में इसीलिए आए कि वे हमें बता सके कि प्रेम क्या है। और जैसा हम लोगों ने देखा है और हम सदियों से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, इवन कहानियों में हमने सुना है, हम लोग स्कूल में जाते हैं, हमारी स्कूल्स की किताबों में भी हम पढ़ते हैं कि उनको जो है सूली पर, सलीब पर, क्रूस पर लटकाया गया है। आज बहुत सारे लोग जो है गले में क्रॉस लटका के घूमते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप गले में क्रॉस लटका के घूम रहे हैं, आपको मालूम है इसका मीनिंग क्या है, क्रॉस का मीनिंग क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। बट जब आप यहाँ पर आते हैं, जब आप ऐसा चीजों को देखते हैं, तब आप समझ पाते हैं। जब वो बाहें फैला करके क्रूस के ऊपर में जब उनको बलिदान उन्होंने दिया, उनके हाथों में, उनके पैरों में जो कीलों को ठोका, उनके शरीर से जो लहू बह रहा है, खून बह रहा है, क्यों बह रहा है? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उन्होंने शायद कोई पाप किया या कोई गलती की, कोई अपराध किया होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये बलिदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के प्रति प्रेम के विषय में है। उन्होंने प्रेम की राह लोगों को दिखाई, उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है उनको मारा गया, पीटा गया और उनको जो है सलीब पर चढ़ा दिया गया। पहला जो टॉपिक है क्रिसमस के विषय में वो है प्रेम। दूसरा जो है वो है दया, काइंडनेस। यीशु दया के बारे में बताते हैं, यीशु का दिल जो है हमेशा दया से भरा था। आप जानते हैं जो क्रिश्चियन कल्चर में जो हमारा जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, जब हम उसको पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ेंगे, आप ऐसे हो सकता बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, और वहां पर आप पाएंगे यीशु के जीवन से उन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, उन्होंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं पकी, उन्होंने कभी किसी को तमाचा नहीं मारा, उन्होंने कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर मानव जाति के लिए प्रेम था, उनके अंदर मानव जाति के लिए दया थी। अगर मेरे अंदर प्रेम है तो मेरे अंदर दया अपने आप जागृत होगी। यीशु का जीवन प्रेम और दया से भरा हुआ था, और इसीलिए वो मनुष्यों के बीच में रहकर जितने भी साल इस संसार में रहे, उन्होंने प्रेम और दया का पाठ संसार को पढ़ाया। तीसरी और आखिरी बात जो है वह है सेवा। सेवा, प्रभु यीशु ने इस दुनिया में रहकर सेवा की है, बहुत सारे बीमारों को ठीक किया, बहुत सारे अनाथों को जो है गले लगाया, बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमारी के बिस्तर में पड़े थे सालों से उनको ठीक किया, बहुत सारे अंधों को आंखें दिया, बहुत सारे लंगड़ों को चलाया। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, सुनने में शायद बहुत अजीब लगेगा, बट दैट्स अ ट्रू, ये एक सच्चाई है, और इस बात का इतिहास जो है वो गवाह है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल नहीं कह रही, परंतु दुनिया का जो इतिहास है वो कहता है कि यीशु इस दुनिया में सेवा के लिए जाने जाते हैं। अभी बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी, स्कूल का के बारे में बताया जा रहा था, स्कूल की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चीजें हुई, और आप एक चीज नोटिस करेंगे, दुनिया में या हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, आप बहुत सारे अस्पतालों में जाएंगे आपको वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन नर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे स्कूल्स में जाएंगे आपको क्रिश्चियन टीचर्स मिलेंगे, वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाएंगे जहां पर अनाथालय चल रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? इसीलिए क्योंकि उनके अंदर में जीसस ने वो तीन बातें डाली हैं, क्योंकि दे आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, और प्रभु यीशु उनको प्रेम करना सिखाते हैं, उनको दया करना सिखाते हैं, और उनको सेवा करना सिखाते हैं। इसी शब्द जो
मैंने कहा है इन्हीं शब्दों के साथ में मैं समाप्त करूंगा और आपको मैं एनकरेज करना चाहूंगा कि ये सीजन जो है आपके लिए उत्साह को बढ़ाने वाला सीजन रहे. दिस क्रिसमस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लव टू यू, अ लॉट ऑफ जॉय टू यू एंड अ लॉट ऑफ काइंडनेस टू यू. परम पिता परमेश्वर की कृपा जो है आप सबों के ऊपर हो. 2022 का साल हम लोगों ने खत्म किया है, 2023 में हम लोग प्रवेश करेंगे 6 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में. नए साल में बहुत सारी खुशियां आपके लिए आए, बहुत सारा ईश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में हो, आपके काम सक्सेस हो. आप जो भी काम करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं, आपके पास नौकरी है, ईश्वर आपके कामों को सफल करे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सर फॉर दीज वंडरफुल वर्ड्स. Now we are moving towards the next program. Now our tiny tots are coming to host the next program. So please encourage them with a huge round of applause. A very good evening to all of you. My name is Pratisha. I am from class 4th. I am here to host today's event. As our next program is going to remind us about our childhood days. So please welcome them with a huge round of applause. We class 1 ke students dance ki aur are hain.